आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के सातवें महीने में गर्भ में पल रहा बच्चा कैसे बढ़ता है, इस महीने शिशु का कितना वेट हो चुका होता है, इस महीने आपको किन बातों का ध्यान रखना है और ऐसा क्या नहीं करना है जिससे गर्भस्थ शिशु को परेशानी हो, और सातवें महीने में क्या करना फ़ायदेमंद है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बात करेंगे सातवें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु की ग्रोथ की। प्रेगनेंसी के सातवें महीने के आखिर तक गर्भस्थ शिशु की लंबाई करीब 12 से 14 इंच और उसका वेट लगभग 1 किलो 100 ग्राम से लेकर 1 किलो 500 ग्राम तक पहुंच जाता है। इस महीने शिशु अपनी आंखों को खोल और बंद कर सकता है और अब गर्भस्थ शिशु अंगूठा चूसना, हिचकी लेना और अंगड़ाइयों के साथ जम्हाइयाँ भी ले सकता है और आप उसकी गतिविधियों को अच्छी तरह से महसूस कर सकती हैं। इस समय शिशु का दिमागी विकास अपने चरम पर होता है और ऐसे में आप महसूस कर सकती हैं कि अब गर्भस्थ शिशु बाहर से आ रही आवाज़ों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है और बाहर की आवाज़ें सुनकर उस पर प्रतिक्रिया भी देता है। अब गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के टच को अच्छी तरह से पहचान सकता है। अब वह समय है जब पेट पर हाथ फेरते हुए आप अपने गर्भस्थ शिशु से बातें कर सकती हैं, उसे लोरियाँ सुना सकती हैं, कहानियाँ सुना सकती हैं, क्योंकि इस समय उसका दिमागी विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। अब बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के सातवें महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ना झुकें। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में आपके पेट का आकार काफ़ी बढ़ चुका होता है तो ऐसे में आपके लिए आगे की ओर झुकना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे में अगर आप आगे की तरफ झुकेंगी तो इससे आपके पेट पर जोर पड़ सकता है, गर्भाशय पर दबाव पड़ सकता है और ऐसा करना आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और इससे समय से पहले प्रसव पीड़ा भी शुरू हो सकती है, इसलिए ऐसा करने से बचें। अधिक देर तक खड़ी ना रहें। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में आपको ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में खड़े नहीं रहना है। लगातार एक ही पोजीशन में खड़े रहने से ब्लड फ्लो नीचे की तरफ बढ़ता है, जिससे कि आपके पैरों में सूजन आ सकती है, पैरों में दर्द बढ़ सकता है और ज़्यादा देर तक खड़े रहने से प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है और समय से पहले डिलीवरी भी हो सकती है। गलत पोजीशन में ना सोएं। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में आपके सोने की पोजीशन भी बहुत मायने रखती है और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रेगनेंसी में हमेशा आपको बाईं करवट यानी कि लेफ़्ट साइड होकर सोना चाहिए, क्योंकि इससे प्लेजेंटा के ज़रिए गर्भस्थ शिशु को प्रॉपर ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि गर्भस्थ शिशु का बेहतर तरीके से विकास होता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक पीठ के बल या दाईं करवट लेटती हैं तो इससे एक तो आपको पीठ दर्द की समस्या हो सकती है और दूसरा ये गर्भस्थ शिशु के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है और उसका विकास भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमेशा बाईं करवट होकर लेटें, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में सोने की सबसे बेस्ट पोजीशन है। तनाव से बचें। गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ होता है और आप जैसा महसूस करती हैं आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी वैसा ही महसूस करता है। अगर गर्भवती महिला तनाव में होती है, परेशान होती है, तो इससे उसकी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे प्रेग्नेंट महिला को तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ उसके गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा तनाव लेने से प्री मैच्योर डिलीवरी का भी खतरा होता है, इसलिए जितना हो सके तनाव से बचने की कोशिश करें और हमेशा खुश रहें। अब बात करेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। फिजिकली एक्टिव रहें। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में प्रॉपर आराम करने के साथ साथ आपके लिए फिजिकली एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप घर के हल्के फुल्के कामकाज कर सकती हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी नहीं आती तो आपके लिए रोज़ाना कम से कम 25 से 30 मिनट की पैदल सैर करना बहुत ही फ़ायदेमंद है, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो सही ढंग से बना रहे और आपके पेल्विक मसल्स मजबूत हों।
खान पान का ध्यान रखें। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में आपको पहले की तरह ही पौष्टिक भोजन का सेवन करते रहना है और साथ ही साथ दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी भी ज़रूर पीना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट बनी रहे और आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। दोस्तों, प्रेगनेंसी के सातवें महीने में हल्की स्पॉटिंग, पेट में हल्का दर्द और उल्टियां होना नॉर्मल है, लेकिन अगर पीठ के निचले हिस्से में लगातार बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो, पेट में असहनीय दर्द हो, प्राइवेट पार्ट में बहुत तेज़ दर्द हो या अधिक ब्लीडिंग हो तो अपनी डॉक्टर से बात ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत